फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके द्वारा जारी की गई तमाम नीतियां, तमाम मॉडल पूरे देश भर के लिए एक नज़ीर बन जाता है। जब भी नीतीश कुमार बिहार को लेकर के कुछ फैसला लेते हैं या कुछ पॉलिसी पास करते हैं, कोई नीति पास करते हैं, तो वो देश के तमाम जितने अलग अलग राज्य हैं वो अपने राज्यों में अपनाने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे शराबबंदी कानून ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के द्वारा जो जाति आधारित गणना करवाया गया ये भी पूरे देश भर में नज़ीर बन गया। और तमाम ऐसी कई जो आपको कह ले तो पॉलिसीज़ है, कोई ऐसा मॉडल है जो बिहार का पूरे देश भर में नज़ीर बन जाता है। अब एक और ऐसा मॉडल नीतीश कुमार द्वारा पूरे बिहार में पेश किया गया है जो अब अलग अलग राज्यों के द्वारा भी अपनाया जा रहा है, और ये मॉडल है मौसम पूर्वानुमान का। दरअसल बिहार के हर एक पंचायतों में से को ये कहा गया है कि वो हर एक 15-15 मिनट पर मौसम पूर्वानुमान जारी करेंगे, यानी मौसम का बुलेटिन जारी करेंगे। और ऐसा होता भी है, बिहार का हर एक पंचायत ऐसा है जहां एक पंचायत से कम 96 डेटा मौसम विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अब इस चीज़ को लेकर, यानी इस मौसम पूर्वानुमान की जानकारी को लेकर और इस मॉडल को लेकर अब नीतीश कुमार वाहवाही लूट रहे हैं। बिहार में के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को 5 राज्य अपनाएंगे, और वो राज्य हैं राजस्थान, यूपी, झारखंड, उड़ीसा व तमिलनाडु। बिहार के मौसम पूर्वानुमान में दिलचस्पी दिखाई है। तमिलनाडु के अधिकारियों का दल बिहार मौसम सेवा केंद्र को देखने आ रहा है। वे बिहार मॉडल को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। कुछ दिन पहले नासा के वैज्ञानिक भी बिहार का मौसम केंद्र देखने आए थे। योजना एवं विकास विभाग की ओर संचालित मौसम सेवा केंद्र में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ये सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। सीएम नीतीश कुमार को भी ये मॉडल बहुत पसंद है, उन्होंने खुद इसका उद्घाटन भी किया था। मौसम विभाग बिहार से राज्य की सभी पंचायतें जुड़ी हुई है, यहाँ से मौसम के पूर्वानुमान की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। बिहार मॉडल की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर पंचायत से हर 15 मिनट पर मौसम पूर्वानुमान की जानकारी जाती है। इस प्रकार एक पंचायत से दिन भर में 96 बार डेटा आता है। सभी पंचायतों से दिन भर में 80,000 से अधिक डेटा संकलित किए जाते हैं। इनमें तमाम जानकारी बेहद सटीक उपलब्ध होती है। बिहार मौसम सेवा केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीएन प्रभुर के अनुसार प्रखंड स्तरीय मौसम विज्ञान केंद्र से तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के बारे में हर 15 मिनट पर आंकड़े मिलते हैं। इनको इसरो के सैटेलाइट से मिले आंकड़ों का विश्लेषण विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल 27 मई को बिहार मौसम सेवा केंद्र का शुभारंभ किया था। उन्होंने इस अवसर पर एक मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया था। इसके माध्यम से पंचायत स्तर की मौसम की सटीक जानकारी 5 दिन पहले किसानों और आम लोगों को दी जा रही है। योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से सरदार पटेल भवन में बिहार मौसम सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। फरवरी में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार मॉडल की चर्चा हुई थी, इसे पूरे देश में अपनाने का निर्णय भी हुआ था, जब योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया था कि बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, अब देश इस मॉडल को अपनाने जा रहा है। इसके लिए कई वैज्ञानिक बिहार आ रहे हैं, वे इस मॉडल का अध्ययन भी करेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार का अब एक और मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही लूट रहा है, और ये मॉडल है मौसम पूर्वानुमान का। इसका उद्घाटन भी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते साल 23 मई को किया था। इसके लिए बजाबता एक ऐप भी जो है लॉन्च किया गया था, और उसका भी उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। अब आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु वो 4 राज्य हैं जो बिहार के नीतीश कुमार के इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं, और इन तमाम राज्यों के बड़े बड़े वैज्ञानिक बिहार आ रहे हैं और इस मॉडल के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।